प्रोग्राम डीवी टीचिंग पोर्टल योर वेलकम। नाउ प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है थ्योरी एंड एमसीक्यू पैरामीशियम कार्डेटम द स्लीपर एनिमल कुली प्रोटोजोआ विच मूव विद द हेल्प सेलिया कॉल द सीलिएटेड एंड इनक्रीड इन द सबफाइलम सेलियोफोरा बेसिड प्रोसेस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिएट्स ऑल सीलिएट प्रोसेस टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई माइक्रो न्यूक्लियाई एंड माइक्रो न्यूक्लियाई डायमॉर्फिज्म यानी पाई जाती है अनक्यू फॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन पैरामीशियम इज ए टाइपिकल सीलिएटेड कंटेनिंग द 10 नाउन स्पीसीज डिफरिंग इन शेप एंड साइज स्ट्रक्चर ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज पैरामीशियम कार्डम हैज बीन द कंपैरेटिवली लार्ज कंपैक्ट माइक्रो न्यूक्लियाई क्रोमेटिन मटेरियल इसका चरित्र ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज द वाइडली एबुडेंटली पैरामीशियम ऑरेलिया हैज टू माइक्रो न्यूक्लियाई वाइल द पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लियटम हैज द मैनी माइक्रो न्यूक्लियाई पैरामीशियम जो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियटम है जिसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई जबकि बर्सेरिया में पाए जाते हैं ग्रीन बर्सेरिया पैरामीशियम ग्रीन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक जूक्रेला तो सिम्बायोटिक जूक्रेला अलगा है इसीलिए यहाँ पर यह सिम्बायोटिक ग्रीन कलर दिखाया जाता है। फॉलोइंग द टेक्स्ट बायोलॉजी पैरामीशियम कार्डेटम की डिटेल में स्टडी की गई है। पैरामीशियम कार्डेटम तो इस स्पीसीज की यहाँ पर लार्जेस्ट स्पीसीज है इसका अध्ययन किया गया है। फाइलम यहाँ पर प्रोटोजोआ है और सब फाइलम सीलियोफोरा क्लास सीलिएटा सब क्लास होलोट्राइका ऑर्डर होमेन हेमेनो स्टोमेटा सब ऑर्डर पेनिकुलेटा और जीनस पैरामीशियम स्पीसीज कार्डेटम। पैरामीशियम कार्डेटम जो पैरामैक्स मीन्स अवलोंग कार्डेटर मीन्स टेल ओबलोंग टेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैविंग द वाइल्ड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इट फाउंड इन द फ्रेश वाटर पॉन्ड डिशेज स्ट्रीम रिवर्स लेक रिजर्वाउर एक्सेट्रा। असली अबोडेंट इज यहाँ पर वाटर कंटेन विद द ग्रेट डील डिस्केइंग द ऑर्गेनिक मैटर ये जहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है डिस्केइंग हो तो सड़ता हुआ पाया जाता हो इट थ्राइव बेन बेल इन पूल स्लोली रनिंग स्ट्रीम्स कंटेनिंग एक्वाटिक प्लांट यहाँ पर धीरे से जो तो मतलब बहने वाला पानी यहाँ पर ज़्यादा प्लांट पाए जाते हैं वहाँ पर पाया जाता है। पैरामीशियम ओपन ग्रेदर गैदर नियर या सरफेस इन स्कूम बट आर असली सीन इन एक्टिवली स्विमिंग थ्रू आउट द वाटर इन द विच दे लिव तो यहाँ पर जहाँ पर ये रहता है वहाँ पर एक्टिवली स्विमिंग पाया जाता है स्विमिंग करता हुआ। कल्चर ऑफ पैरामीशियम पैरामीशियम यूजली ग्राउंड इन द माउथेड जार्ड विद द ग्लास कवर द 3/4 फिल्ड बॉयल्ड पॉन्ड वाटर और द चेकली मीडियम एन सी एल 80% एम जी एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 mg और कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड 4 mg इतनी सारी मात्रा से यहाँ पर वाटर में पाई जाती है तो यहाँ पर इसे कल्चर किया जा सकता है पैरामीशियम को। एंड यहाँ पर लीटर इन 1 liter डिटेल वाटर में इसको वो कर सकता है इतनी सारी चीज़ें मिलाकर एक डिटेल वाटर के द्वारा जो है इसे कल्चर किया जा सकता है। एंड 7 to 12 ड्रॉप द स्किम्ड मिल्क एडेड इन वीकली तो यहाँ पर 7 to 12 जो ड्रॉप हैं और इसमें मिल्क डाल दिए जाते हैं डिटेल एक लीटर वाटर में जिसमें सोडियम ये सारे केमिकल पड़े होते हैं पोटेशियम सोडियम और ये कैल्शियम क्लोराइड ये सारे केमिकल एक लीटर पानी में जिसमें ऊपर 7 to 12 ड्रॉप डाली जाती हैं दूध की और वीकली हफ्ते में दिस इज जार द कीप्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट जो आ रहा है जो डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखा जाता है अलाउ द बैक्टीरिया टू माउट फ्लोरिस और बैक्टीरिया को यहाँ पर अनुमति दी जाती है मतलब वो सर्व फूड पर मल्टीप्लाइंग पैरामीशियम तो बैक्टीरिया को यानी बैक्टीरिया के लिए यहाँ पर छूट दी जाती है यानी बैक्टीरिया जिससे आ सके उसका ढक्कन माउथ को खोल सकते हैं इसका जिससे बैक्टीरिया आते हैं बैक्टीरिया इनका भोजन होता है।
एक्सटर्नल साइज क्या है? एक्सटर्नल साइज, एक्सटर्नल साइज पैरामीथियम इज माइक्रोस्कोपिक इलोंगेटेड ऑर्गेनिज्म विच इज विजिबल टू नेकेड आईज बैटिस्ट या फिर ग्रे, यहाँ पर सफ़ेद या फिर किस तरीके से दिखाई जाए, ग्रे हरा स्पॉट, ग्रेट या फिर हरा स्पॉट दिखाई देगा। और स्पीसीज बेरी लेंथ यहाँ पर 80 से 350, तो भी पैरामीथियम कार्डेंटम लार्ज स्पीसीज या मेजर 70 170 म्यू एंड 290 म्यू। द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज अबाउट 2/3 इंटायर लेंथ। पैरामीथियम ऑरेलिया अबाउट यहाँ पर 120 से 250 म्यू लॉन्ग होती है। असली द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज में एक्सिबिट माइनर मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। तो सेम स्पीसीज है, थोड़ा अंतर होता है इसमें, मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जैनिद वाज अवेल टू फाइंड द स्पीसीज ऑफ पैरामीथियम 8 रेसेस डिफरेंट इन टोटल लेंथ। तो जैनिद ने पाया कि थोड़ा यहाँ पर स्पीसीज है पैरामीथियम की 8, जो कि टोटल लेंथ और साइज में अंतर था उनमें। पैरामीथियम जैसे कि साइज बता रहे हैं कि डिस्क्राइब द स्लीपर स्लीप्ड सिगार और स्लीपर शेप्ड या फिर सिगार शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड, और इट इज असली कंटेन जनरल असिमेट्री बिकॉज स्पीसीज लाइक शेप पैरामीथियम इज द समटाइम कॉल्ड द स्लीपर एनिमिकल कुली। जेबलॉट और जेबलॉट जेबलॉट असिंग द नेम ऑफ कैसन कैसन टू पैरामीथियम कॉडेटम। तो जेबलॉट ने यहाँ पर जो नेम दिया था कैसन पैरामीथियम कॉडेटम को, बीच इज मीन्स स्लीपर शेप्ड एनिमल कुली, जिसका मतलब है स्लीपर शेप्ड एनिमल कुली। जेबलॉट जेबलॉट का नाम दिया था, और चैसन चैसन मीन्स होता है पैरामीथियम कॉडम के लिए, जिसका मीन्स होता है स्लीपर शेप्ड एनिमल कुली। द बॉडी इज इलोंगेटेड ब्लंट, बॉडी इलोंगेटेड ब्लंट होती है, सराउंडेड द इंटीरियर एंड द सम हार्ड पॉइंटेड इंटीरियर पॉइंट। एक क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर ग्रेटेस्ट डायमीटर बिहाइंड द सेंटर ऑफ बॉडी, इंटीरियर हाफ ऑफ बॉडी इज स्लाइटली ट्विस्टेड, इंटीरियर जो आगे की बॉडी है वो हाई ट्विस्टेड होती। द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूट इन टू द ओवरल एंड वेंट्रल सरफेस और अबरोलर या फिर डोर्सल सरफेस। ओवरल ग्रुप वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी बियर द प्रोमिनेंट ऑब्लिक शैलो डिप्रेशन कॉल्ड ओवरल ग्रुप। ओरल ग्लूब वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी बेयर द प्रोमिनेंट ओब्लिक एंड सेलो डिप्रेशन कॉल द ओरल ग्लूब। वेंट्रल सरफेस पाया जाता है ओवर ग्लूब, जो कि प्रोमिनेंट ओब्लिक होता है, प्रोमिनेंट होता है थोड़ा ओब्लिक होता है। तो और ओब्लिगेट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेलो डिप्रेशन कॉल द ओरल ग्लूब। ओब्लिक किस तरीके होता है, प्रोमिनेंट ओब्लिक और सेलो डिप्रेशन तो होता है, उसे ओवल ग्लूब कहते हैं। ओजिनेट फ्लाज मिडल बॉडी ऑफ द बीच में भाग से डेवलप होता है लेफ्ट साइड, और जो कि बाएं तरफ एंटीरियर एंड और एंटीरियर आगे तरफ। पोस्टीरियर द ओरल ग्लूब लीड टू द डिपर कॉनिकल वेस्टिबल, पोस्टीरियर साइड पर जो है ओरल ग्लूब और वेस्टिबल प्रदर्शित करता है कॉनिकल, विच इट टर्न द कम्युनिकेट विद द बक्कल कैविटी, जो कि बक्कल कैविटी से मतलब जुड़ा हुआ होता है। हाँ भी द बेसल माउथ या फिर बक्कल कैविटी में या फिर बेसल माउथ या फिर सिस्टोसोम होता है। पेलिकल की बात करें तो एक्सटर्नल इब्लो ऑफ द बॉडी इज लिविंग क्लियर फायर इलास्टिक ड्रेड यानी इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन, जिसे पेलिकल कहते हैं। व्हेन द एक्सटेंडेड स्पेसिमेन, जब यहाँ पर स्टेन किया जाता है स्पेसिमेन तो ऑब्जर्व अंडर द लाइट और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो पेलिकल दिखाई देती है रेगुलर और पोनीगोल पोरीगोनल यानी हेक्सागोनल डिप्रेशन विद द राइज रिम्स, और राइज रिम्स इसमें दिखाई देती है। सिंगल सीलियम इमर्जेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द ईच पॉलीगोनल या फिर सिरकुमुलरी स्पेस, जिसमें सीलिया दिखाई देता है कि सिरकुमुलरी स्पेस से सिंगल सिरकुमुलरी स्पेस से डेवलप होता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रो एक्टीर है यहाँ पर, उसमें इरेनेट और पावर ने यहाँ पर देखा था रिवीलर डेट, उन्होंने देखा था कि जो पॉलीगोनल डिफाइंड कॉरस्पॉन्डिंग है
वो यहाँ पर रेगुलर सीरीज में कैविटी पाई जाती है जिसे एल्वोली कहते हैं। इनफैक्ट द वास्तव में पिट ऑफ द सेंटर ऑफ ईच एल्वोली विच इज फॉर्म द पोलीगोलम, जो कि वास्तव में यहाँ पर ईच एल्वोलियोलस हैं जो कि फार्म बनाती हैं पोलीगोन। ऑल द एल्वोली कलेक्टिवली फार्म ए कंटीनाउस कंटीनाउस एल्वोलियल लेयर, सभी एल्वोली हैं वो बनाती हैं एल्वोलियल लेयर विच इज डेलीमेटेड बाय द आउटर एल्वोलियर एंड इनर एल्वोलियर मेम्ब्रेन, जो कि आउटर इनर तो दो मेम्ब्रेन बनाती हैं। तो इसमें यहाँ पर कितनी लेयर पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं आउटर लेयर, फिर आउटर एल्वोलियर लेयर, फिर इनर एल्वोलियर लेयर। द आउटर एल्वोलियर लेयर लाइज द क्लोज कंटेक्ट द बेनेट बीनेट द आउटर मेम्ब्रेन थस थस द, यहाँ पर पैरामीथियम का डायग्राम है ये। ये ट्राइकोसिस्ट है जो कि ऑफेंस और डिफेंस के लिए ये इस तरह से ये किनारों किनारों पर इस तरह से हैं पिन लाइक, यहाँ पर जिसे ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। अनचार्ज बॉडी फायर्म अनचार्ज बॉडी एंड क्या कहते हैं फायर्म अनचार्ज बॉडी करती रहती है और डिफेंस को काम करती है। अनचार्ज बॉडी एंड फायर्म टू अटैच्ड सरफेस एंड इनका क्या काम है, और ट्राइकोसिस्ट का अनचार्ज बॉडी सरफेस पहला काम, और फिर ओपेंस और डिफेंस और दूसरा काम है यहाँ पर फायर्म रिजिड बॉडी जो है फायर्म रिजिड बॉडी जोड़े रखती हैं। पहला क्या है ओपेंस एंड डिफेंस अनचार्ज बॉडी ओपेंस और डिफेंस और फायर्म रिजिड बॉडी। इसमें कंटेक्टाइल है ये सीलिया रो है, ये ट्राइकोसिट है, ये पोर वेकुल है, इंटीरियर पार्ट है यहाँ पर, ये पेलिकल है और ये इंडोप्लाज्म है, ये एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म है, ये इंडोप्लाज्म है। और यहाँ पर ये रेडियल कैनाल है, ये वाली ये रेडियल का ये कंटेक्टाइल वेकुल है, इनके चारों ओर रेडियल कैनाल पाई जाती हैं, 6 से 10 होती हैं फिलहाल, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, यहाँ पर 3 और 3 6 1 7 हैं जो कि रेडियल कैनाल बोली जाती हैं। और ये कंटेक्टाइल वेकुल के चारों ओर पाई जाती हैं जिसे यहाँ पर रेडियल कैनाल यहाँ पर सिक्टोल कहते हैं। और ये माइक्रोटूबुल ये माइक्रो न्यूक्लियस है और ये बड़ा वाला माइक्रो न्यूक्लियस है, ये छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस है और ये बड़ा वाला माइक्रो न्यूक्लियस है, यानी टू टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। टू कंटेक्टाइल वेकुल पाए जाते हैं, एक एंटीरियर यहाँ पर एंटीरियर साइड पर ये है और ये पोस्टीरियर साइड पर होगी। पूरा टेक्चर आ रहा है पैरामीसियम का, तो यहाँ पर दो कंटेक्टाइल वेकुल है, एक इंटीरियर वाली एक पोस्टीरियर वाली, ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर, तो पाई जाती हैं दो कंटेक्टाइल वेकुल और ये पोस्टीरियर साइड है। इसमें सीलिया थोड़े लंबे दिखाई देते हैं और इसमें यहाँ पर पूरी बॉडी में समान है, फिलहाल पोस्टीरियर साइड पर थोड़े लंबे होते हैं। और यहाँ पर ये पूर्व वेकुल्स है, ये साइटोपाइज है और ये साइटोपायरिनिक्स है, ये ओरल ग्लूब है, ये ओरल ग्लूब ये वेस्टिबुल है, ये ओरल सीलिया है और ये बक्कल कैविटी है, ये साइटोसेम्स यानी मुंह है, ये फूड वेकुल्स हैं। तो सारा पूरा डायग्राम दिख गया होगा, इसे यहाँ पर ये वाला हिस्सा है जो वो कॉडल टूट कहा जाता है सीलिया का। और इसमें जो सीलिया होते हैं 9+2 पैटर्न पाया जाता है, इसमें 9+2 का पैटर्न पाया जाता है सब स्पिनल बॉडी यानी 9 पेरीफेरल और 2 सेंट्रल माइक्रोफाइबल पाई जाती हैं फाइबर्स, 2 सेंट्रल यानी 2 सेंट्रल में पाई जाती हैं और 9 जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9
ये सेंटर में पाए जाते हैं माइक्रोफाइबल, और ये जो है टू पाए जाते हैं इनर साइड में, ये दो इनर साइड में, और बाकी जो बाहर वाले हैं ये नाइन फाइबर्स हैं। तो नाइन प्लस टू पैटर्न होता है उनके सीलिया में। पेलिकल में थ्री मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, कौन कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन है, और फिर इसके बाद आउटर एलिवोलियर है, फिर इनर एलिवोलियर है, तो तीन मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। सीलिया इंटायर बॉडी सरफेस कवर्ड बाय नंबर ऑफ सीलिया हेयर लाइक फाइन प्रोजेक्ट कॉल्ड द सीलिया, दीज आर द मेजर नाइन टेन प्लस टू टेन टेन टू एलेवन इन लेंथ ऑफ 0.27 इन म्यू इन डायमीटर। जो हेक्सागोनल सीलिया होते हैं यहाँ पर, ये डायग्राम है हेक्सागोनल सीलिया, ऑलरेडी इटेटेड द सीलिया इज यहाँ पर पैरामीशियम जो बर्सेरिया है, इसमें यहाँ पर पैरामीशियम बर्सेरिया राइज फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच पॉलीगोनल डिप्रेशन, पॉलीगोनल डिप्रेशन सिको सिरकुमलरी स्पेसिस। तो जो बर्सेरिया पैरामीशियम, इसमें यहाँ पर बताया गया कि जो सिरकुमलरी स्पेसिस है पेलिकल के पेलिकल में, तो इसमें पॉलीगोनल डिप्रेशन पाई जाती है सीलिया की, सेंटर ईच पॉलीगोनल डिप्रेशन सिरकुमलरी दी आर द 110,000 to 14,000 सीलिया कवरिंग होल बॉडी सरफेस दीज मोटाइल अरेंज्ड इन रेगुलर लॉन्गिट्यूडनल रोस। तो सेंटर ऑफ द ईच सीलिया में पॉलीगोनल डिप्रेशन होता है, जिसके पॉलीगोनल मिनटर सिरकुम्बली स्पेयर्स, जो कि पैरामीशियम बर्सेरिया में पाया जाता है, जो कि इसमें दो माइक्रो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें टू माइक्रो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, इसलिए टू इन पैरा बर्से लिखा है। दीज आर मोटाइल आरिंग राइजिंग रेगुलर लॉन्गिट्यूडनल रो, देयर लेंथ इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट पूरे शरीर, पूरी बॉडी में यहाँ पर यूनिफॉर्म होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू लॉन्गर सीलिया पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग द कॉडल टुप्ट, जो कि पोर्सिल डिफर सीलिया थोड़े लंबे होते हैं, जो कि कॉडल टुप्ट बनाते हैं, हैंस इज नेम कार्डेटम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोन दैट द सीलियम इज हैज सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर एज द बीन सीन ऑफ द फ्लैजेलम, तो सीलिया का यहाँ पर माइक्रोस्कोप में देखने पर फ्लैजेला के समान ही कार्य करने वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स का बना होता है, और इसमें क्या है सराउंडेड बाय द आउटर मेम्ब्रेन शीथ। क्या होता है कि जो सीलिया जैसे होता है फ्लैजेला, उसी तरह यहाँ पर कंसिस्ट होता है सीलिया भी फ्लूइड मैट्रिक्स का, सराउंडेड बाय द आउटर मेम्ब्रेन शीथ विच इज द कंटिन्यूस विद द आउटर सेल मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी विद इन द मैट्रिक्स आर नाइन पेरिफेरल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, जो कि नाइन पेरिफेरल यानी सेंटर पर टू पाए जाते हैं, नाइन पेरिफेरल किनारों पर पाए जाते हैं, विच आर रन अलॉन्ग फुल लेंथ ऑफ सिंगुलम, जो कि यहाँ पर पूरी सीलिया में पाए जाते हैं। इस तरह से सीलिया है, तो इस तरह से इसमें पूरी लेंथ में इस तरह से पाए जाते हैं नाइन जो है पेरिफेरल, नाइन पेरिफेरल वो पाए जाते हैं फाइबर्स। इस तरह से सीलिया है, और इसमें यहाँ पर इस तरह से पाए जाते हैं इस तरह से नाइन जो है पेरिफेरल फाइबर्स पूरी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी सीलिया की, बीच अलोंग द होल लेंथ ऑफ सीलियम बॉडी ईच फाइबर इज फॉर्मेड टू सब फाइबर, तो ईच जो फाइबर है वो टू सब फाइबर का बना होता है, जो कि कैरी करता है डबल रो ऑफ द शॉर्ट आर्म प्रोजेक्शन, जो कि यहाँ पर ले जाता है डबल आर्म ऑफ द प्रोजेक्शन
डबल आर्म आर प्रोजेक्शन ऑल द रनिंग सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो कि रन करते हैं। इन द सेंटर ऑफ मैट्रिक्स आर टू सिंगल फाइबर्स, इन द सेंटर ऑफ मैट्रिक्स टू सिंगल फाइबर्स, इन द सेंटर ऑफ मैट्रिक्स आर टू सिंगल फाइबर्स, इन द सेंटर ऑफ मैट्रिक्स आर टू सिंगल फाइबर्स। यहाँ पर सेंटर में टू मैट्रिक्स सिंगल टू फाइबर पाए जाते हैं मैट्रिक्स में सेंटर में, तो यहाँ पर यानी 9+2 का पैटर्न बन रहा है जो कि यूकेरियोटी में पाया जाता है और प्रोकेरियोटी में नहीं पाया जाता। बीच आर द इनक्लोज विदिन द इनर मेम्ब्रेन, जो कि इनर मेम्ब्रेन के भीतर बंद होता है, इनर मेम्ब्रेन सीथ के अंदर बंद होता है। इन द बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरल फाइबर आर द 9 एडिशनल एक्सेसरी फाइबर्स, जो कि पेरिफेरल फाइबर हैं जो कि 9 एडिशनल एक्सेसरी फाइबर्स पाए जाते हैं। 9 जो पेरिफेरल 9 फाइबर होते हैं उसमें यहाँ पर सब पेरिफेरल पाए जाते हैं, 9 होते हैं उसके सब, उसमें यहाँ पर 9 फाइबर में कुछ एडिशनल एक्सेसरी फाइबर पाए जाते हैं जिसे सब फाइबर कहते हैं। जो सब फाइबर है 9 एक्सेसरी फाइबर पाए जाते हैं, यानी 9+2 का पैटर्न होता है, और यानी 9 पेरिफेरल और 2 सेंटर होते हैं, मगर 9 के साथ 9 और होते हैं सब फाइबर जिसे कहते हैं एक्सेसरी फाइबर, यानी 9 स्क्वायर 9। साइटोप्लाज्म विद इन द पेलिकल साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी क्लियरली डिफरेंट इनटू टू रीजंस, बाहर मच्छर लगाई बाहर देखा जाए, जो कि साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म जिसमें यहाँ पर एक्टोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, पेरिफेरल होता है एक्टोप्लाज्म, कैरो क्लियर डेंज जोन कॉल्ड एक्टोप्लाज्म और द कॉर्टेक्स। एक्टोप्लाज्म में यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है दो रीजन में पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म है जो यहाँ पर पेरिफेरल क्लियर होता है और डेंज होता है जिसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और कॉर्टेक्स या फिर एक्टोप्लाज्म। इनक्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रासेल्युलरी सिस्टम द ट्राइकोसाइट, और जो कि इसमें इंट्रासेल्युलरी सिस्टम और ट्राइकोसाइट पाया जाता है। एंडोप्लाज्म द सेकेंड यहाँ पर है एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक तो और एंडोप्लाज्म पाया जाता है, सेकेंड एंडोप्लाज्म है। द लार्ज सेंट्रल ग्रैनुलस एंड द सेमी फ्लूइड जोन, सेमी फ्लूइड जोन इज द एंडोप्लाज्म और फिर द मेडुला। तो जो लार्ज होता है सेंट्रल ग्रैनुलर भाग जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्म, इनक्लूड द एक्चुअल कंपोनेंट माइटोकांड्रिया गॉल्जी बॉडी राइबोसोम क्रिस्टल रिजर्वायर फूड ग्रैनुल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं एंडोप्लाज्म में। पैरामेसियम बर्सेरिया एंडोप्लाज्म इज फिल्ड विद द सिम्बायोटिक जोकोरोला यूनिसेलुलर क्लोरोफिल बेयरिंग एल्गा। तो जो बर्सेरिया है पैरामेसियम उसमें यहाँ पर एंडोप्लाज्म सिम्बायोटिक एंडोप्लाज्म में पाया जाता है सिम्बायोटिक जोकोरोला यूनिसेलुलर क्लोरोफिल बेयरिंग होता है, जो कि प्रोमिनेंट एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजंस, और यहाँ पर प्रोमिनेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजंस पाया जाता है एंडोप्लाज्म में। न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियाई कंटेक्टाइल वैक्यूल फूड वैक्यूल एक्सेट्रा, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इंफ्रा सेलरी सिस्टम इंफ्रा सेलरी सिस्टम जो कि सेकेंड स्ट्रक्चर है, इमीडिएटली बीनीथ द पेलिकुलर अल्वेली इज द लोकेटेड द इंफ्रा सेलरी सिस्टम कंस्टिट्यूट बाय द बेसल बॉडी एंड कैनोटो डेजमेटा। बेसल बॉडी दीज ऑफ द ईच सिलियम इज द प्रोड्यूस इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल द बेसल बॉडी या फिर कैनोटोसोम। तो यहाँ पर क्या है कि इंट्रासेल्युलर सिस्टम है जिसमें पाया जाता है यहाँ पर बेसल बॉडी जिसे कैनाटोडेजमेटा कहते हैं, और इमीडिएटली जो इंट्रासेल्युलर सिस्टम है वो पेलिकुलर के अल्वेली के यहाँ पर लोकेटेड इमीडिएटली बीनीथ द लोकेटेड पाया जाता है इसमें सेल्युलर सिस्टम इमीडिएटली बीनीथ द पेलिवियल पेलिकुलर एल्वोली के नीचे जो कंस्टिट्यूट होता है बेसल बॉडी जिसे कैनोटोसोम कहते हैं।
और काइनेटोसोम या फिर फॉर्मेड बाय द थिकनेड बेसल एंड द पेरीफेरल फाइबर सीलियम, तो पेरीफेरल फाइबर से बनाता है सीलियम से। द सेंट्रल फाइबर आर डू नॉट इंटर इनटू द, तो सेंट्रल फाइबर में यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं इनको, बट बाल ऑफ द बेसल बॉडी कंसीडर नाइन ट्रिपलेट, मगर यहाँ पर सेंटर में नहीं पाए जाते हैं नाइन, सेंटर में यहाँ पर फाइबर नहीं पाए जाते हैं, मगर यहाँ पर जो बेसल बॉडी है उसमें नाइन ट्रिपलेट पाया जाता है, यानी नाइन प्लस टू नाइन प्लस थ्री ऑफ द सब फाइबर बेसल बॉडी, नाइन प्लस थ्री जो है बाल पे पाया जाता है कैनोटोसोम का। नाइन प्लस बेसल बॉडी है जो कंस्ट्रक्ट होती है नाइन प्लस टू के पैटर्न पर, नाइन प्लस थ्री पैटर्न पर। द बेसल बॉडी या द सेल्फ डुप्लेटिंग यूनिट होती है, बेसल बॉडी सेल्फ डुप्लेटिंग यूनिट होती है एंड द प्रोजेनिटर जेनिटर्स ऑफ न्यूफिलिया, जो कि न्यूफिलिया बनाती है। ईच बेसल बॉडी आइदर सेंट्रोइल या फिर डेरिवेटिव, नाइदर यहाँ पर इसमें या फिर सेंट्रोइल होता है या फिर डेरिवेटिव होती है। ईच बेसल बॉडी है आइदर सेंट्रोइल या फिर डेरिवेटिव होती है, और इट्स डेरिवेटिव यहाँ पर सेंट्रोइल या फिर इसकी डेरिवेट होती है ईच बेसल बॉडी। काइनेटोसोम काइनेटोडेजमेटा एसोसिएटेड विद द क्लोजली बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड लाइंग द एक्टोप्लाज्म सिस्टम स्टेटेड फाइबर्स कॉल्ड द काइनेटोडेजमेट फाइबर्स। काइनेटोडेजमेटा एसोसिएटेड क्लोजली विद द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड लाइंग द एक्टोप्लाज्म सिस्टम ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्राइट फाइबर्स। तो अभी जो नाइन प्लस थ्री का पैटर्न था ये बेसल बॉडी में पाया गया था, और जो बेसल बॉडी पाई जाती है इन्फ्लासेरी सिस्टम में। द क्लोजली बेसल बॉडी ऑफ सीलिया लाइंग एक्टोप्लाज्म इज ए सिस्टम ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टेटेड फाइबर्स कॉल्ड द काइनेटोडेजमेटल फाइबर्स। स्टेटेड फाइबर्स होते हैं जिसे काइनेटोडेजमेटा बना होता है और जिसे काइनेटोडेजमेटल फाइबर कहते हैं। काइनेटोडेजमेटा एसोसिएटेड क्लोजली विद द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड लाइंग द एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में रहता है जो कि स्टेटेड फाइबर्स होते हैं जिसे कहते हैं काइनेटोडर्मेटल फाइबर्स, यानी स्टेटेड फाइबर का बना होता है जिसे हम काइनेटोडर्मेटल फाइबर कहते हैं। सिंगल फाइबर्स और द काइनेटोडर्मेट अराइज फ्रॉम द काइनेटोसोम और बेसल बॉडी सिंगुलम सीलियम विद अराइज पोस्टरली संभाल द टेम्परिंग अलोंग द कोर्स ज्वाइन द काउंटर पार्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर काइनेटोसोम फार्मी ए बंडल ऑफ ओवरलैपिंग लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स कॉल्ड द काइनेटोडेजमेटा। द नंबर ऑफ फाइबर इन ईच काइनेटोडेजमेटा इज यहाँ पर नंबर जो होते हैं तो यहाँ पर रिमेन फाइव होते हैं बिकॉज इंडिविजुअल ऑफ फाइबर डू नॉट रन एंट्रीली रेदर देन फाइव बेसल बॉडी। तो यानी काइनेटोडेजमेटा में क्या होता है, काइनेटोडेजमेटा में जो है नंबर ऑफ फाइबर इन काइनेटोडेजमेटा कंटिन्यूली रिमेन फाइव बिकॉज इंडिविजुअल फाइबर डू नॉट रन एंटीरियर फादर देन द फाइव बेसल बॉडी। तो नंबर ऑफ काइनेटोडेजमेटा फाइव रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फाइबर हैं टू नॉट रन एंट्री के तरफ नहीं रन करते, इसलिए फाइव बेसल बॉडी जो है एंटीरियर जो फाइव बेसल बॉडी उस पर उधर रन नहीं करते हैं। इट हैज बीन सजेस्टेड फाइबर्स कंटेनेड सेलरी बीट एंड मोमेंट बट द एविडेंस इज वेरी कॉन्फ्लिक्ट। काइनेटोडेजमेटा में जो फाइबर है पाइप होते हैं क्योंकि इसमें पाइप जो है इंटीरियर बॉडी है वहीं पर रहती है,
डू नॉट रन एंटीरियरली, जो कि एंटीरियर तरफ नहीं रन करते हैं, यहाँ पे एंटीरियर तक नहीं जाते हैं। और यहाँ पर सीलरी बीट बनाता है एंड मूवमेंट बट एविडेंस वेरी कन्फ्लिक्ट। काइनेटोसोम लॉन्गिट्यूडिनल रो पल्स प्लस देर काइनेटोडेंडमेटा कंसिडर अप यूनिट कॉल द काइनेटी। काइनेटोडेंडमेटा है जो यहाँ पर बनाता है काइनेटी का, काइनेटी सिस्टम और ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ सीलिएट्स। काइनेटोडेंडमेटा है जो बनाया होता है यहाँ पर काइनेटी से, और जो सीलिएटेड होते हैं जो कि करेक्टर ऑफ सीलिएट्रिक होते हैं। पैटर्न ऑफ सीलिएटेड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द मार्फोलॉजिकल प्रोटोजोआ। तो इंफ्रा सीलिएटर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्जांपल पैरामीसियम बन सेट ऑफ काइनेटी इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माउथ। तो यहाँ पर जो काइनेटोडेंडमेटस हैं वो बनाते हैं माउथ स्ट्रक्चर। न्यू माउथ फेल टू डेवलप इफ दे काइनेटोसोम रिमूव्ड। अगर यहाँ पर काइनेटोसोम अलग कर दिए जाते हैं तो न्यू माउथ नहीं डेवलप होगा इसमें। और ये बने होते हैं स्ट्रक्चर यूनिट जैसे कहते हैं काइनेटी। यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडल फाइबर्स बनाते हैं, बंडल ऑफ लॉन्गिट्यूडल फाइबर्स जो कि इसे कहते हैं काइनेटोडेंडमेटा। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये माउथ बनाते हैं पैरामीसियम में। मॉर्फोलॉजिकल माउथ एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटोजोन का है। पैरामीसियम में काइनेटोसोम सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माउथ स्ट्रक्चर। न्यू माउथ इज हेल्प टू डेवलप किडनी काइनेटी इज रिमूव्ड एक्सपेरिमेंटली। ये कंटेक्टाइल बाइकोल्स है, यहाँ पर माइक्रोटोबुल्स है, पेलिकल है, यहाँ पर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है, ये स्ट्रक्चर है टाइको। पैरामीसियम एनिमल डिस्चार्ज टाइकोसिस्ट अनडिस्चार्ज टाइकोसिस्ट एंड एपिकल पार्शन ऑफ डिस्चार्ज। तो यहाँ पर जो ए है स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर डिस्चार्ज टाइकोसिस्ट है, ये टाइकोसिस्ट का स्ट्रक्चर है पूरा। और दूसरा बी है, जो बी में क्या है अनडाइजेस्टेड अनडिस्चार्ज टाइकोसिस्ट है, ये अनडिस्चार्ज टाइकोसिस्ट है। और यहाँ पर सी जो है एपिकल पार्शन डिस्चार्ज है, अनडिस्चार्ज है, और यहाँ पर एपिकल डिस्चार्ज है, यानी जो एपिकल इसका मतलब एपिकल पार्शन है सी वाला, और बी वाला है अनडिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज है, ये अनडिस्चार्ज है, यानी सारे स्ट्रक्चर हैं पैरामीसियम के ट्राइकोसिस्ट के। ट्राइकोसिस्ट पिकुलायर रॉड लाइक ओवल ग्रैनुलर प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्टोप्लाज्म अल्टरनेटिंग। ट्राइकोसिस्ट पूरे पाया जाता है, रॉड लाइक ओवल शेप्ड होता ही, और ये पाया जाता है थ्रू आउट द एक्टोप्लाज्म पूरे एक्टोप्लाज्म में, अल्टरनेटिंग विद द बेसल बेसल एंड ओरिएंटेड राइट एंगल। तो यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग होता है बेसल बॉडी के साथ, और ओरिएंटेड होता है एंगल टू द बॉडी सरफेस, राइट एंगल बॉडी सरफेस। दे इज द बेयर सीन इन फर्स्ट पैरामीसियम इलिस। तो इलिस ने सबसे पहले इन्हें देखा था, इलिस ने देखा था यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट को। दी जात वेरी स्मॉल साइज, जो वेरी स्मॉल साइज हैं यहाँ पर फॉर्म्यू इवरी ई ट्राइकोसिस्ट इलोंगेटेड सेप्ट एंड द टर्मिनेट पॉइंट टिप। तो इलोंगेटेड जो उसे सेप्ट कहते हैं, और टर्मिनेट पॉइंट होते टिप कहते हैं। और टर्मिनेट पॉइंट है जो टिप कहते हैं। द स्पाइक आर बार्ब, जो टर्मिनेट पॉइंटेड पार्ट होता है ट्राइकोसिस्ट का उसे स्पाइक या फिर बार्ब कहते हैं। कवर्ड बाई द कैप, जो कि कैप के द्वारा कवर्ड होता है। द मैट्रिक्स ऑफ द कंसिस्ट डेंज कॉल्ड द स्पाइक, यहाँ पर जो टिप होता है स्पाइक या बार्ब कहते हैं। और कवर्ड बाई द कैप, जो कि कैप के द्वारा ढका होता है। द मैट्रिक्स
द मैट्रिक्स ऑफ शिफ्ट कंसिस्ट ऑफ ए डेंज, जो मैट्रिक्स होता है शिफ्ट का, जो कि डेंज मास होता है फाइब्रोस प्रोटीन जिसे कहते हैं ट्राइकोकेनाइन। और यहाँ पर इलोंगेटेड ट्राइकोसिट कंसिस्ट ऑफ होती है ट्राइकोलेट, जो बनी होती है किसकी बनी होती है किसके द्वारा लें शिफ्ट की बनी होती है। और टर्मिनल पॉइंटेड जो पार्ट होता है उसे कहते हैं स्पाइक या फिर बर्ब, और जो कि कैप के द्वारा ढका होता है। और द मैट्रिक्स शिफ्ट, जो मैट्रिक्स है शिफ्ट का, यानी ट्राइकोसिट जो बनी होती है शिफ्ट की, और जो शिफ्ट का मैट्रिक्स होता है वो बना होता है फाइब्रस का, फाइब्रस प्रोटीन का, तो फाइब्रस प्रोटीन का जिसे कहते हैं ट्राइकिनिन। इट्स फाइबर रिमेन कंडेंस फार्मिंग ए क्रॉस इटेड लेटेस्ट वर्क। तो यहाँ पर जो सेप्ट होता है वो यहाँ पर ट्राइको प्रोटीन का बना होता है, सेप्ट बना होता है ट्राइकोसिस सेप्ट की नहीं होती है। और इसमें जो फाइबर होते हैं वो क्रॉस इटेड होते हैं लेटेस्ट वर्क, क्रॉस इटेड लेटेस्ट वर्क। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस डू नॉट वेल नाउन, इट इज़ द रिलीफ डेट डिस्चार्ज एंड अनचार्ज। इसका काम है डिस्चार्ज एंड अनचार्ज द एनिमल टू फाइम सब्सटेटम एंड व्हेन इट फीड अपॉन द बैक्टीरिया। तो इसका फंक्शन क्या माना जाता है, इसका फंक्शन माना जाता है ट्राइकोसिट का डिस्चार्ज एंड अनचार्ज। जबकि यहाँ पर एनिमल जो है एनिमल क्या करता है, जब एनिमल सब्सटेटम से जुड़ा होता है तो फीड करता है जब बैक्टीरिया पर, तो डिस्चार्ज करता है डिस्चार्ज और इंचार्ज। अदर बिलीव दैट डीज आर आर्निंग ऑफ द, दूसरा क्या है यहाँ पर, पहला डिस्चार्ज एंड इंचार्ज। और दूसरा का है यहाँ पर ऑर्गन ऑफ, पहला डिस्चार्ज एंड चार्ज है और दूसरा है ऑर्गन ऑफ ओफेंस। और डिस्चार्ज ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज ट्राइगर्ड बाय द मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन, इट इज अकर द स्पेन ऑफ द फ्यू मिली सेकेंड वैन फुली डिस्चार्ज शिफ्ट बिकम द लॉन्ग क्रॉस स्टीटेड रॉड मेजर्ड अबाउट 14 म्यू इन लेंथ। बिलीव द डिस्चार्ज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ लेटर्स ट्रेकिलिन फाइबर्स। और डिस्चार्ज यहाँ पर और ओफेंस और डिफेंस का, डिस्चार्ज का काम होता है ट्रेकोसिट का, और डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अनफोल्डिंग। तो डिस्चार्ज क्या प्रोसेस होती है, डिस्चार्ज प्रोसेस होती है यहाँ पर अनफोल्डिंग ऑफ द लेटर्स ऑफ ट्राइकोसिस फाइबर। न्यूक्लियस, इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। इज द प्रोसेस टू टाइप न्यूक्लियस पैरामिसिंग कार्ड एटम, देयर इज ए लार्ज माइक्रो न्यूक्लियस एंड स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस। बेसिसाइड माइक्रो न्यूक्लियाई आर द प्रेजेंट इन पैरामिसियम एंड मैरी। पैरामिसियम ऑरेलिया में मैनी पाए जाते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई, और पैरामिसियम में टू माइक्रो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं पैरामिसियम ऑरेली में, और मल्टी न्यूक्लियर पाए जाते हैं मैनी और मल्टी इन पैरामिसियम मल्टी न्यूक्लियटम। माइक्रो न्यूक्लियस इज द रफ किडनी शेप्ड होता है और विद द इनकन्फ्यूज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ अ पॉलीप्लाउड प्रोसेस मैनी न्यूक्लियोइड मच मोर क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए। माइक्रो न्यूक्लियाई द फोमेटिक या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड कंट्रोल द डे टू डे मेटाबोलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल डेरिवेट फ्रॉम माइक्रो न्यूक्लियस।
माइक्रो न्यूक्लियर जो है बड़ा वाला जैसे वो यहाँ पर कंट्रोल करता है डे टू डे मेटाबॉलिक प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ सेल इट इज डेरिवेटेड फ्रॉम माइक्रो न्यूक्लियर डोनिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। दूसरा यहाँ पर माइक्रो न्यूक्लियस जो कि छोटा वाला जैसे कहते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो माइक्रो न्यूक्लियर द माइक्रो न्यूक्लियर इज द लॉज इन डिप्रेशन डिप्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द माइक्रो न्यूक्लियस इट इज द असली पेरीफेरल विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिप्लॉयड मेम्ब्रेन ऑफ द क्रोमोसोम इट कंटेन द डेफिनेट न्यूक्लियस इन पैरामीथियम और एलिए। तो माइक्रो न्यूक्लिया है यहाँ पर डिप्लॉयड होता है और क्रोमोसोम इसमें डिप्लॉयड पाए जाते हैं और जो कि डेंज कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है स्फेरिकल विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिप्लॉयड और डिप्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर की सरफेस पाया जाता है। डिप्लॉयड होता है क्रोमोसोम नंबर इसमें यानी डिप्लॉयड होता है और यहाँ पर जो इट कंटेन द डेफिनेट न्यूक्लियस इट कंटेन डेफिनेट न्यूक्लियस इन पैरामीथियम और एलिया में डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है वाइल पैरामीथियम कार्डेटम द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। पैरामीथियम जो स्टडी कर रहे हैं जिसकी हम तो वो उसमें एब्सेंट होता है और पैरामीथियम और एलिया में पाया जाता है न्यूक्लियस पैरामीथियम कार्डेटम में नहीं पाया जाता। इट कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो कि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कंट्रोल करता है आप आयोडीन की। कंट्रेक्टाइल पर्चर्स पैरामीथियम और लाइक द अमीबा अमीना एंड टू कंट्रेक्टाइल बैकूल इसमें पाई जाती हैं। संबार्ड फिक्सर पोजिशन बीच लाई द ईच एंड ऑफ द सरफेस बॉडी दोनों एंड पर पाई जाती हैं आगे और पीछे यानी एंटीरियर पोस्टीरियर क्लोज टू डोर्सल सरफेस यहाँ पर एक डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है और क्लोज पीछे वाली जो एंटीरियर है पोस्टीरियर बॉडी कंट्रेक्टाइल बैकूल वो डोर्सल सरफेस पर क्लोज रहती है और डॉसल सरफेस पर पोटी एंड पर पाई जाती है। ईच देम सराउंडेड बाय द सर्कुलेट सिक्स ऑफ यहाँ पर ये सराउंड होती है 6 to 10 लॉन्ग नैरो स्पेंडेड शेप रेडियल कैनाल्स जो कि पल्सेटिंग कैनाल्स होती हैं एक्सटेंडिंग फार इनटू द साइटोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म दूर दूर तक फैली होती हैं कंट्रेक्टाइल बैकुल ओपनिंग टू आउटसाइड इस तरह से फैली होती है यहाँ पर और इस तरह से ये पाई जाती है कंट्रेक्टाइल बैकुल ये रेडियल कैनाल है इस तरह रेडियल कैनाल है ये। एक्सटेंडेड होती हैं आउटसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म आउटसाइड थ्रू द परमानेंट पोर के द्वारा बाहर की तरफ खुली रहती हैं जो कि पेलिकल ऑफ द डोर्सल साइड इट टू कंटेक्टाइल बैकुल्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी यहाँ पर जो कंटेक्टाइल बैकुल हैं यहाँ पर आइडेंटिटी अपनी नहीं खोते हैं पहचान नहीं खोते हैं वेन द वाटर या स्पेल जब वाटर को यहाँ पर बाहर निकालते हैं तो अपनी पहचान नहीं खोते हैं ये। ईट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर इसमें क्या दिखाई देता है अपर्चर इनिक्यूलेटर सम ट्यूबल्स इसमें पाई जाती हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेफ्र माइक्रो यहाँ पर माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या होता है इसमें कुछ इनिक्यूलेट यहाँ पर ट्यूबल्स पाई जाती हैं जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और नेफ्रिडियल ट्यूबल्स हैं फीडर कैनाल्स हैं एसेसरी बैकुल्स हैं जिसे रेडियल कैनाल्स कहते हैं और एंड द मेन कंट्रेक्टाइल बैकुल और मेन कंट्रेक्टाइल बैकुल पाई जाती है इसमें किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कंट्रेक्टाइल बैकुल में द एसेसरी बैकुल्स आर रेडियल कैनाल्स आर फैक्टेड एम्पली ऑफ फीडर कैनाल्स जो यहाँ पर रेडियल एसेसरी बैकुल्स या फिर रेडियल कैनाल्स हैं वास्तव में वो क्या होती हैं एम्पली ऑफ फीडर कैनाल्स जो एसेसरी बैकुल्स होती हैं या फिर रेडियल कैनाल्स जिसे वास्तव में यहाँ पर क्या होती हैं एम्पली ऑफ फीडर कैनाल्स। फूड बैकुल्स क्या हुआ नंबर ऑफ नॉन कंटेक्टाइल फूड बैकुल्स रिसेंटली टर्मिनेटस गेटोइल्ड बाय द बीकोविस्की जो फूड बैकुल्स हैं यहाँ पर फूड बैकुल्स हैं वो नंबर ऑफ फूड नॉन कंटेक्टाइल होती हैं जो कि
उसे विकोसी के द्वारा गैस वेहिकुल कहा गया है, गैस ट्यूल्स। बोको बिस्की के द्वारा इसे गैटोइल कहा गया है। फूड वेहिकल को कैन सीन इन द मूविंग द स्ट्रीम, इन्हें देखा जा सकता है स्ट्रीम में, इंडोप्लाज्मिक जो कि साइक्लोसिस होती है। दे आर डिफर इन साइज अकॉर्डिंग टू देर नेचर ऑफ अनडाइजेड, यहाँ पर ये साइज में थोड़ी अलग होती हैं। नेचर ऑफ अनडाइजेड इंजेक्टेड पार्टिकल मोस्टली रहती हैं राउंड। इंजेक्टेड पार्टिकल थोड़े अलग होते हैं, वैसे राउंड ही होती हैं ये गैस्ट्रो वेहिकल। ओरल परचेस, ओरल परचेस जो है कंटेक्टाइल और पैरामीसियम। ओरल परचेस एवेंटली और सेटली जो है यहाँ पर कंटेक्टाइल वेहिकल्स कंटेक्टाइल वेहिकल यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि कंटेक्टाइल वेहिकल जो पीछे वाली जो है वो यहाँ पर लार्ज फास्टर पल्सेटिंग देन इंटीरियर कंटेक्टाइल वेहिकल्स। तो जो पीछे वाली कंटेक्टाइल वेहिकल होती है यानी पोस्टीरियर वाली, बहुत तेज़ी से वाटर को एक्सहेल करती है, बाहर निकालती है, और जो कि इंटीरियर है वो यहाँ पर कम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बना था TGT 2021 में। पीछे वाली जो कंटेक्टाइल वेहिकल है उससे पल्सेट वाटर पल्सेट करती है तेज़ी से इंटीरियर पोर्ट, देन फास्ट देन पल्सेटिंग वाटर फास्टर देन इंटीरियर कंटेक्टाइल वेहिकल। ओरल परचेस में क्या पाया जाता है, ओरल परचेस लीड टू इवेंटली पोस्टीरियर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर काज द वेजिटेबल लीड टू डायरेक्टली। कितनी रोटी हैं, पैरामीसियम ओरल ग्रुप लीड टू इवेंटली पोस्टली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर काल द वेजिटेबल। तो ओरल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ओरल स्ट्रक्चर ओरल परचेस। पैरामीसियम ओरल ग्रुप लीड टू वेंटली एंड द पोस्टली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर काल द वेजिटेबल। तो ग्रुप होता है यहाँ पर पैरामीसियम में, जो वेंटली होता है उसे बोटली एंड पोस्टली वेंट्री होते वेंटर साइड पर, और पोस्टरली तो इसे कहते हैं वेजिटेबल। इट लीड डायरेक्टली इनटू द वाइड ट्यूबुलर पैसेज, इट लीड डायरेक्टली इनटू द वाइड ट्यूबुलर पैसेज द बकल कैविटी। तो यहाँ पर इट लीड टू डायरेक्टली इनटू द वाइड ट्यूबुलर पैसेज, यहाँ पर दिखा प्रदर्शित करता है, यहाँ पर जो वेजिटेबल है यहाँ पर जो रास्ता प्रदर्शित करता है, यानी लीड टू डायरेक्टली इनटू द बाई ट्यूबुलर पैसेज द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी प्रदर्शित करता है इन टर्न इज ओपन इनटू द नैरो गलेट। तो गलेट या फिर साइटोपेरिनिक्स थ्रू द इस ओपन होती है किसमें, वेजिटेबल ओपन होती है गलेट या फिर साइटोपेरिनिक्स में थ्रू द नैरो अपर्चेस साइटोस्टोम के द्वारा जो है यहाँ पर ओपन होती है साइटोपेरिनिक्स। साइटोपेरिनिक्स ओपन थ्रू द अपर्चर साइटोसोम, द साइटोपेरिनिक्स एट द प्रोक्सिमल एंड फॉर्म द फूड वेहिकल। साइटोपेरिनिक्स बनाती है फूड वेहिकल, और साइटोपेरिनिक्स फूड वेहिकल बनाती है जिसमें यहाँ पर ओपन होती है किसके द्वारा, साइटोपेरिनिक्स थ्रू द नैरो अपर्चर साइटोसोम के द्वारा खुलती है। साइटोसोम या फिर माउथ इसे कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर ओरल ग्रुप का, ओरल अपर्चर या ओरल ग्रुप। एट राइट साइड और बॉर्डर्ड बाय द रॉस इलिया जिसे इंडोरल मेब्रेन कहते हैं। बक्कल कैविटी है वो यहाँ पर राइट बक्कल कैविटी एट द राइट साइड पे पाई जाती है, जो कि बॉर्डर्ड होती है, घिरी होती है रोसेलिया, जिसे रोसेलिया फार्मिंग इंडो मेम्ब्रेन, जो रोसेलिया है जो बनाती है यहाँ पर
बाउडेड बाई बक्का कैप्टी है, वो घिरी होती है किससे, रोसिलिया से, जो कि बनाते हैं इंटर मेम्ब्रेन। एट द लेफ्ट साइड द थ्री ग्रुप्स ऑफ फोर रोस ऑफ सिलिया, और जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर थ्री ग्रुप होते हैं और थ्री ग्रुप ऑफ फोर रो, थ्री ग्रुप होते हैं फोर सिलिया के, थ्री ग्रुप्स होते हैं चार पंक्तियों के, यानी फोर रो चार थ्री ग्रुप्स, तीन ग्रुप होते हैं यानी तीन समूह होते हैं, चार पंक्तियाँ होती हैं, एक्सटेंडेड होती हैं, रिम ओपनिंग पोट्रियल बक्कल कैविटी, दीज आर द वेंट्रल पेडिकुलर्स, ये होती हैं पर वेंट्रिकल पेंडिकुल्स, पेडिकुलर डोर्सल पेडिकुलर्स एंड क्वाड्रिनल क्वाड्रिनल तो यहाँ पर ओपनिंग होती हैं पोट्रियल बक्कल कैविटी, दीज आर वेंट्रल पेनिकुलर, तो इस तरीके होती हैं ये तीन यहाँ पर ग्रुप होते हैं और फोर पंक्तियाँ होती हैं सीलियम की, इंडो मेम्ब्रेन बनाती हैं जो कि बक्कल कैविटी जो सीलिया हैं वो बने होते हैं, पेनिकुलर्स इंडोर्सल पेनिकुलर्स और क्वाडल क्वाड्रिलस क्वाड्रिरुलस, दीज आर द सेलरी रोस कंसिस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन लेयर, दीज सेलरी रोस होती हैं थ्री और थ्री रोस होती हैं फोर, थ्री ग्रुप होते हैं सिलिया के जो बनाते हैं मेम्ब्रेन लेस मेम्ब्रेन लेस। फ्रॉम इंडो इंडोर ओरल इंडो ओरल मेम्ब्रेन इज रिवेड पेलिकल एक्सटेंडेड अप टू साइटोसोम, फ्रॉम इंडोरल मेम्ब्रेन रिवेड पेलिकल एक्सटेंडेड टू अप टू द साइटोसोम, फ्राम इंडोरल मेम्ब्रेन रिवेट फेलिकल एक्सटेंडेड अप टू द साइटोसोम, तो जो फ्राम इंडोरल मेम्ब्रेन है रिवेट फेलिकल होती है, फ्राम इंडोरल मेम्ब्रेन रिवेट फेलिकल एक्सटेंडेड अप टू द साइटोसोम, तो इंडोरल मेम्ब्रेन है यहाँ पर और रिवेट मेम्ब्रेन रिवेट फेलिकल से साइटोसोम तक पाई जाती है। निमेटाजमल फाइबर निमेटाजमल फाइबर रन डोर्सल टू द रिवेड पोलिकल, निमेटाजमल फाइबर जो हैं रन डोर्सल टू रिवेड पोलिकल, रिवेटाजमल फाइबर हैं रिवेड पोलिकल तक फैले हुए होते हैं डोर्सल साइड पर, और अस द पोस्टल पोस्ट ओरल फाइबर राउंड द साइटोपनिस, जो कि पोस्ट ओरल फाइबर होते हैं वो साइटोपनिस पर घेरे रहते हैं साइटोपनिस को, रो ऑफ द नॉर्मल सोमेटिक सीलिया लाइन द बाल ऑफ वेस्टिबल, रो ऑफ नॉर्मल सोमेटिक सीलिया हैं वो लाइन होते हैं बाल ऑफ वेस्टिबल की, रो ऑफ नॉर्मल सोमेटिक सीलिया लाइन द बाल ऑफ वेस्टिबल, तो जो रो होते हैं नॉर्मल और सोमेटिक सीलिया के वो लाइन करते हैं वेस्टिबल की घेरे, लाइन यहाँ पर रेखित होते हैं बाल ऑफ वेस्टिबल, नॉर्मल सोमेटिक सेलिया हैं वो यहाँ पर रेखित होते हैं एक लाइन में पाए जाते हैं वेस्टिबल की बाल पर, साइटोपाइज नियर द एंटी नियर द साइटोपाइज या आइनस या साइटोप्रोटेक्ट, नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी लिटिल बिहाइंड द साइटोसोम एंड लिटिल राइट साइड स्मॉल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड पेलिकल फ्रॉम बार्ड वीक दे टाइम ऑफ द साइटिजिशन, ये माइनट अपर्चर्स कॉल द आइनस साइटोप्रोटेक्ट प्रोटेक्ट विसाइबल, इट हाउ एवर डिफिकल्ट टू से वेदर इट इज परमानेंट ओपनिंग विद द टाइटली क्लोज लिप्स, इट हाउ एवर डिफिकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल है कि चाहे यहाँ पर परमानेंट ओपनिंग हो या फिर यहाँ पर टाइटली परमानेंटली ओपनिंग कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं या फिर परमानेंट ओपनिंग टाइटली क्लोज लिप्स या फिर टम्परेली ओपनिंग विद फॉर्मेट एट द इजिशन टाइम ऑफ इजिशन, तो ये कह सकते हैं चाहे कहें यहाँ पर चाहे कहें परमानेंट ओपनिंग विद द टाइटली क्लोज लिप्स और टम्परेली ओपनिंग फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ द इजिशन। लोकोमोशन पैरामिथियम स्टीम लाइट बॉडी वी अनेबल टू स्विम इन वाटर मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, रैपिड स्विमिंग इज फैसिलिटेड बाय द बीटिंग
फाइन द हेयर लाइक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म सीलिया कवर द एनिमल इंटायर सेल बॉडी पैरामीसियम मूव विद द स्पीड ऑफ 50, 100, 1050 और पर सेकेंड। सेलरी बीट्स डूरिंग द मोमेंट सेलरी सीलियम ओसिलेट लाइक द पेंडुलम डूरिंग द मोमेंट सीलिया है यहाँ पर ओसिलेट होते हैं लाइक ए पेंडुलम लीच ओसिलेशन कंप्राइज ए फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक डूरिंग मोमेंट समय यहाँ पर सीलियम क्या करते हैं ओसिलेट डूरिंग मोमेंट सीलियम ओसिलेट लाइक ए पेंडुलम ईच ओसिलेशन कंप्राइज ए फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक डूरिंग मोमेंट सीलियम ओसिलेट द डूरिंग मोमेंट सीलियम ओसिलेट लाइक ए पेंडुलम ईच ओसिलेशन कंप्राइज ए फास्ट इफेक्टिव। तो ड्यूरिंग मोमेंट यहाँ पर क्या होता है ड्यूरिंग मोमेंट सीलियम ओसिलेट लाइक ए पेंडुलम ईच ओसिलेशन कंप्राइज ए फास्ट इफेक्टिव तो ईच जो ओसिलेशन होते हैं और वो होते हैं यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रोक एंड स्लो रिकवरी स्ट्रोक स्लो इफेक्टिव स्ट्रोक होते हैं फास्ट वाले फास्ट ओसिलेशन होता है उसे फास्ट ओसिलेशन को कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक और स्लो ओसिलेशन को कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। ड्यूरिंग द इफेक्टिव स्ट्रोक होना रखिए तो यहाँ पर दोनों ओसिलेशन होते हैं फास्ट कहते हैं इफेक्टिव और स्लो को कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। ड्यूरिंग द इफेक्टिव स्ट्रोक स्ट्रोंग बैकवर्ड लैश द सीलियम बिकम द स्लाइटली कर्व्ड एंड रिजिड एंड द स्ट्राइक ऑफ द वाटर लाइक एन ओवर आर सो वाट बॉडीज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक द रिकवरी स्ट्रोक विच फॉलो इमीडिएटली ब्राइंग द सीलियम अगेन रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है विच फॉलो इमीडिएटली ब्राइंग द सीलियम अगेन इन टू द पोजिशन नेक्स्ट द इफेक्टिव स्ट्रोक रिकवरी स्ट्रोक के बाद फिर यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रोक होता है। ड्यूरिंग द इफेक्टिव स्ट्रोक या फिर स्ट्रोंग बैकवर्ड ला सीलियम ले सीलियम बीकम स्लाइटली सीलियम धीरे सीधे हो जाते हैं थोड़े कर्वेड होते हैं यानी वर्क आकार और रिजिड स्ट्राइक होते हैं रिजिड यहाँ पर दृढ़ होते हैं स्ट्राइक दृढ़ छड़ी की तरह और वाटर लाइक ओवर वहाँ पर हो जाते हैं दैट बॉडी प्रोपेल्ड फॉरवर्ड और बॉडी आगे को बढ़ती है अपोजिट दिशा में स्ट्रोक के अपोजिट दिशा में स्ट्रोक अगर पीछे लगता है तो यहाँ पर बॉडी आगे को बढ़ती है द रिकवरी स्ट्रोक बीच फॉलो इमीडिएटली बिगेन रिकवरी स्ट्रोक यहाँ पर उसके बाद सीखे होता है जब सीलियम अगेन टू पोजिशन फॉर नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक तो रिकवरी स्ट्रोक यहाँ पर उसके बाद होता है जब इफेक्टिव स्ट्रोक हो जाता है। यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रोक ए वाला चित्र इफेक्टिव स्ट्रोक है और यहाँ पर रिकवरी स्ट्रोक है बी वाला है डायग्राम। ये सिंगल सीलिया है इसमें यहाँ पर सिंगल सीलियम जो है आफ्टर द ग्रे इफेक्टिव स्ट्रोक रिकवरी स्ट्रोक दोनों चीज़ें मूवमेंट दिखाई गई हैं। बॉडी डू नॉट मूव इंस्टेंटली एंड इंडिपेंडेंटली बट प्रोग्रेसिवली इन करेक्टरिस्टिक्स वेब लाइक तो यहाँ पर इसमें बता रहा है अचानक और स्वतंत्र जो है सीलिया मूव नहीं करते हैं गति मगर यहाँ पर वेब लाइक यहाँ पर जो तरंग की तरह गति करते हैं जिसे कहते हैं मेटाकोनल रिथम। द सीलिया इज लॉन्गिट्यूडनल रो बीट द करेक्टरिस्टिक वेब बिगिनिंग द एट द एंटीरियर एंड प्रोग्रेसिव बैकवर्ड कॉन्सिक्वेंसली तो सीलिया हैं जो लॉन्गिट्यूडनल रो में बीट करते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक वेब बिगिनिंग एट द एंटीरियर एंड द प्रोग्रेसिव बैकवर्ड्स कॉन्सिक्वेंसली ए सीलियम इज अ लॉन्गिट्यूडनल रो ऑलवे मूव इन द एडवांस ऑफ द वन बिहाइंड तो एक के बाद एक यहाँ पर मूव करते हैं इट इज द ऑल सीलिया ऑफ द ट्रांसवर रो बीट इंस्टेमसली या द सिंक्रोनसली ट्रांसवर रो में क्या करते हैं स्टेमुलसली और स्टेमिलेनाउसली और द सिंक्रोमाउसली जो है बीट करते हैं सीलिया ट्रांसवर रो में। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मोमेंट पैरामीसियम मेटाक्रोमल वेब पास फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड फॉरवर्ड क्या कर रहा है ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मोमेंट
डूरिंग द फॉरवर्ड मूवमेंट यानी जब सामने की मूवमेंट करेगा तो पैरामीसियम मेटाक्रोमल वेव्स पास फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड फॉरवर्ड पोस्टीरियर से यहाँ पर जो वेव पास होंगी एंटीरियर की तरफ जिससे आगे की तरफ पोस्टीरियर एंड फॉरवर्ड पोस्टीरियर एंड पीछे से आगे की ओर डूरिंग द फॉरवर्ड मूवमेंट डूरिंग द फॉरवर्ड मूवमेंट यानी आगे के बढ़ने आगे की गति सामने को गति करने से मेटाक्रोमल वेव हैं जो पीछे से आगे की ओर आती हैं। मोड ऑफ स्विमिंग यहाँ पर डू नॉट फॉलो द स्ट्राइट ट्रैक्ट रोटेट स्पेशली लाइक द राइफल बुलेट अलोंग ए लेफ्ट हैंडल हेलिक्स द रीजन ऑफ दिस टू फोल्ड फ्रेस्टली द बॉडी सीलिया डू नॉट बीट डायरेक्टली बैकवर्ड बट फ्रॉम वार्ड ओब्लिक ओब्लिक टू वार्ड राइट थोड़े तिरछे होते हैं डायरेक्टली पीछे की ओर नहीं होते हैं सो दैट द नॉर्मल एनिमल रोटेट ओवर द लेफ्ट सो एनिमल यहाँ पर लेफ्ट साइड पर रोटेट होगा बाई तरफ ऑन द इट्स ऑन एक्सिस सो इसलिए यहाँ पर अपने एक्सिस पर लेफ्ट साइड की बाई तरफ मूवमेंट करेगा। सेकेंडली सीलिया ऑफ द ओरल ग्रुप स्ट्राइक ओब्लिक एंड द मोर बेगाउसली सो टू टर्न द एंटीरियर एंड कंटिन्यूटली ऑलवे अवाय फ्रॉम द ओरल साइड्स यहाँ पर इसकी मूवमेंट है सीलिया की रिकवरी स्ट्रोक यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 तक है फिर यहाँ पर इफेक्टिव हो 1 2 3 4 5 इफेक्टिव है 7 1 2 इफेक्टिव है 7 1 2 और रिकवरी है 2 3 4 5 6 7 तक 7 2 यहाँ पर ये ध्यान रखना है रिकवरी स्ट्रोक है 2 3 4 5 6 और 7 2 7 1 2 यानी 712 इफेक्टिव 712 इफेक्टिव 712 इफेक्टिव है यहाँ पर 712 इफेक्टिव और रिकवरी बाकी जो है 712 इफेक्टिव है बाकी यहाँ पर 4 बाकी यहाँ पर कितना है 2 3 4 5 6 तक 2 3 4 5 6 तक क्या है 7 तक यहाँ पर रिकवरी स्ट्रोक हो सकता है और 712 इफेक्टिव है और यहाँ पर 2 से 7 तक रिकवरी हो सकता है। एंड मूव द सर्कल और सर्कल में यहाँ पर यानी चक्र कर मूव करते हैं द कंबाइंड इफेक्टिव का द मोमेंट ऑफ एनिमल अलोंग विथ फेयरली स्ट्राइट पैथ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इज इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो यहाँ पर अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गति करते हैं इन बैकवर्ड मोमेंट पैरामीशियम फॉलो स्ट्राइट कर्स इन बैकवर्ड जो पीछे की तरफ मूवमेंट होता है पैरामीशियम फॉलो द स्ट्राइट कर्स इन दिस केस द मेटाक्रोमल वेव पास फ्रॉम द एंटीरियर एंड बैकवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट में क्या करता है बैकवर्ड मूवमेंट में पैरामीशियम क्या करता है स्ट्राइट कोर्स में यहाँ पर सीधे चलने पर दिस इज मेटाक्रोमल वेव्स होती हैं वो फिर पोस्टीरियर से पास होती हैं कहाँ से एंटीरियर एंड से बैकवर्ड की तरफ एंटीरियर से पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर एंटीरियर आगे से पीछे की तरफ दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इफेक्टिव स्ट्रोक इज कैरी आउट एंटीरियरली और ये होता है क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रोक होता है एंटीरियर से आगे से मैकेनिक जो आता है सीलियर मूवमेंट इज पैरामीशियम लिटिल स्टडीड तो मैकेनिज्म यहाँ पर थोड़ी स्टडी की गई इसके बारे में मूवमेंट के इट इज़ अ नाउन एज सीलियर मूव्ड इन द अकॉर्डिंग सिस्टम दे मूव बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द पेरीफेरल फाइबर्स लोटेड विद इन द देम द एनर्जी नीड फॉर द फेबुलर कंट्रक्शन इज सप्लाइड बाई ATP स्पायरल मूवमेंट होती है इसकी इसमें न्यूट्रीशन देखें यहाँ पर पैरामीशियम फीड और होलोजोइक मैनर लाइक अमीबा फूड कंसिस्ट ऑफ चाइफली बैक्टीरिया विच इज फ्लोड इन वाटर
विच फ्लोट इन वाटर विच फ्लो विल लाइव इन वाटर ही इट हैज बिन एस्टिमेटेड डेट टू 5.5 मिलियन इंडिविजुअल बैसिलस कोलाई डिवॉर्ड 24 आवर्स बाय द सिंगल पैरामीशियम इन द सेंस ऑफ पैरामीशियम पैरामीशिया आर आल्सो बेनिफिशियल टू बैक्टीरिया लीस्ट दे आर माइट टू प्रोड्यूस रैपिडली रैपिडली इंडेंजर देर वन एक्सीडेंस बाय द ओवर क्राउडिंग आल्सो फीड ऑन द अपॉन प्रोटोजोल्स इट आल्सो फीड अपॉन प्रोटोजोल्स जहाँ पर ज़्यादा पार्टी पाए जाते हैं वहाँ पर इंडेंजर्ड कंडीशन में यहाँ पर रैपिड जो है टू रैपिडली माइट रैपिडली प्रोड्यूस आर इंडेंजर देर वन एक्सीडेंट अपने यहाँ पर अत्यंत बनाने के लिए अपने खतरे के लिए ओवर क्राउडिंग ज़्यादा होने पर रैपिडली यहाँ पर क्या करते हैं बेनिफिट लीस्ट माइट रिप्रोड्यूस रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यहाँ पर संकटग्रस्त होने पर अपने अस्तित्व को रखने के लिए और ज़्यादा ओवर क्राउडिंग ज़्यादा भीड़ होने से ज़्यादा इकट्ठे होने से इट इज़ आल्सो फीड अपॉन द स्मॉल प्रोटोजोन यूनिसेलुलर प्लांट्स एलगी डायटम्स ईस्ट तो यहाँ पर बैक्टीरिया के अलावा या क्या कहते हैं एलगी डायटम और ईस्ट को भी खाते हैं एंड स्मॉल बिट ऑफ द एनिमल और वेजिटेबल और स्मॉल मात्रा में यहाँ पर एनिमल और वेजिटेबल ही खाते हैं इट विल बी रिजेक्ट मोस्ट ऑफ नॉन डाइजेस्टिव मटेरियल एंड डिवोर सर्टाइन काइंड ऑफ द फूड और यहाँ पर जो रिजेक्ट कर देते हैं मोस्ट नॉन डाइजेस्टिबल मटेरियल डिवोर सर्टाइन काइंड ऑफ द फूड वन स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम बर्सी बर्सेरिया इज द इंटरेट बींग ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा पैरामीशियम बर्सेरिया जिसमें यहाँ पर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और इसमें सिम्बायोटिक के रूप में यहाँ पर जुकरेला पाया जाता है यहाँ पर यह ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा सिम्बायोटिक जुकरेला इट इंडोप्लाज्म इंडोप्लाज्म में इसके कई यूनिसेलुलर एल्गा पाए जाते हैं जुकरेला इसीलिए यह हरा दिखाई देता है इट कैन थर्स आता है लिव इन होलोफाइटिली फॉर द लॉन्ग पीरियड सो पैरामीशियम बर्सेरिया तो यहाँ पर ऑटोट्रोपिक यानी होलोटाइपिक कहते हैं ऑटोट्रोपिक को ये ऑटोट्रोपिक कहते हैं होलोफाइटिकली या फिर जो ऑटोट्रोपिक प्लांट है उन्हें होलोफाइटिक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये होलोफाइटिकली लिव जी सकते हैं यानी भोजन अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं बना सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑन द फूड सबटेंड मैन्युफैक्चर बाय जुकरेला जो कि जुकरेला के द्वारा भोजन बनाया गया वही इंटेक करेगा ये डूइंग द स्कार्टी या फूड जब यहाँ पर फूड की कमी होगी तब इट कैन डाइजेस्ट स्कार्टिया फूड इट कैन डाइजेस्ट इवन वन कोरेला तो यहाँ पर जब इसमें भोजन की कमी होगी तो जब ज़्यादा भूखा होगा तो यहाँ पर अपना स्कैन डाइजेस्ट इवन इसे यहाँ पर इसको डाइजेस्ट भी कर सकता है किसके अपने स्वयं के कोरेला को एंड कैन लिव परमानेंटली इनडिफिनेटली विदाउट देम और इनके जो कोरेला जो सिम्बायोटिक है इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है एंडोप्लाज्म में तो उसको भी यहाँ पर ये खा लेता है क्योंकि इसमें जो अनिश्चित समय के लिए जीने के लिए और इसके बिना भी रह सकता है इट कैन लिव परमानेंटली और स्थायी रूप से रह सकता है इंडिपेंडेंटली विदाउट देम इनके बिना भी फीडिंग मैकेनिज्म पैरामीशियम स्विम टू प्लेस वेयर इट कैन गेट ए फूड इट फूड चेन कैचिंग अपर्चर्स इज मच मोर स्पेशलाइज देन ऑफ द अमीबा एंड इग्रीना फूड कैप्चरिंग मेथड है इसकी बहुत स्पेशलाइज होती देन अमीबा इग्रीना मोर स्पेशलाइज जैसे तरीके होती है फूड इज इंजेक्टेड बाय द डेफिनेट सेल माउथ फूड इंजेक्टेड किया जाता है यहाँ पर डेफिनेट सेल माउथ जिसे सेल या माउथ जिसे कहते हैं साइटोसोम लाइंग एट द बॉटम ऑफ बक्कल कैप्टी जो कि बक्कल की कैप्टी के नीचे पाया जाता है
द कंसिस्टेंट लासिंग मूवमेंट ऑफ द सीलिया ओरल ग्रूव ड्राइव ए करेंट ऑफ वाटर द कंसिस्टेंट लासिंग द कंसिस्टेंट लासिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया ओरल ग्रूव ड्राइव ए करेंट ऑफ द वाटर विद द फूड पार्टिकल्स टुवार्ड द वेजिटेबल द कंसिस्टेंट लासिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया द कंसिस्टेंट लासिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया द कंसिस्टेंट लासिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑफ ओरल ग्रूव ड्राइव ए करेंट ऑफ वाटर विद द फूड पार्टिकल टुवार्ड द वेजिटेबल सीलरी ट्रैक्ट ऑफ द वेजिटेबल डायरेक्ट फूड पार्टिकल इनटू द बक्कल कैविटी एंड पैरामीशियम इज सेलेक्टिव फीडर अकॉर्डिंग टू द मास्ट मास्ट के हिसाब से यहाँ पर पैरामीशियम सेलेक्टिव फीडर है और मैनी काइंड ऑफ द पार्टिकल मे बी कैरी आउट विद द वाटर करेंट इनटू द वेजिटेबल तो वेजिटेबल से पेरिनिक्स में जाता है साइटोपेरिनिक्स साइटोपेरिनिक्स साइटोम में जाता है तो वेजिटेबल बट द क्या होता है फूड पार्टिकल करेंट इन वाटर वेजिटेबल में जाता है बट ओनली द सिलेक्टेड वंस पासेड इन साइड द बैकल कैविटी और सिलेक्टेड पार्सन जो है पार्टिकल फूड पार्टिकल वो वेजिटेबल में इजेक्ट किए जाते हैं बाकी बड़े हैं वो बाहर रिजेक्ट किए जाते हैं रेस्ट ऑफ पार्टिकल आर रिजेक्टेड देन डिस्चार्ज रिजेक्टेड दैट डिस्चार्ज और जो कि बाहर किए जाते हैं आउटसाइड जो स्पेशल पार्टिकल होते हैं यानी छोटे पार्टिकल हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं और जो बड़े पार्टिकल हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं मास्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मास्ट वाटर करंट यहाँ पर जो सिलेक्टिव टाइप का पाया जाता है सिलेक्टिव फीडर है पैरामीटर यानी बड़े पार्टों को फूड पार्टिकल रिजेक्ट किया जाता है और छोटे पार्टिकल इंटर किया जाता है पैसेज अलोंग विच सीलरी एक्शन जो पैसेज होता है फूड पार्टिकल का इंटेक्की का वो यहाँ पर सीलरी मैकेनिक होता है ड्राइव सिलेक्टेड फूड पार्टिकल जो कि सीलिया के द्वारा ओरल ग्रूव में सीलिया के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं फूड पार्टिकल इटर में तब सिलेक्शन पैथ जो सीलिया के द्वारा फूड पार्टिकल सिलेक्ट किए जाते हैं और रिजेक्ट किए जाते हैं वेजिटेबल के द्वारा वेजिटेबल के द्वारा सीलिया के द्वारा रिजेक्ट किए जाते हैं उसे कहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन पैथ वेयर वेयर पैसेज अलॉन्ग विच अनवांटेड फूड पार्टिकल आर डराइवेड आउटसाइड वेजिटेबल जो यहाँ पर बड़े पार्टिकल या फिर अनवांटेड फूड पार्टिकल हैं वो यहाँ पर सीलिया वेजिटेबल के से बाहर रिजेक्ट किए जाते हैं रिजेक्ट ड्राइवन किए जाते हैं बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि आउटसाइड वेजिटेबल वेजिटेबल से बाहर इन द रिजेक्शन पैथ तो दो तरह के होते हैं रिजेक्शन पैथ में बड़े पार्टिकल बाहर निकाल लिए जाते हैं ये यहाँ पर डायग्राम है इसका डाइजेशन का वो फूड फूड इंटेक का इंटेकी का वो है पर लार्ज और स्मॉल ये बड़े वाले हैं ये लार्ज फूड पार्टिकल हैं ये स्मॉल हैं तो ये वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल आते हैं ये वाटर करंट है इसमें यहाँ पर वाटर करंट फूड पार्टिकल आते हैं वेजिटेबल है ये ओरल ग्रूव है यहाँ पर वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल आते हैं ये वेजिटेबल है जिसमें यहाँ पर वेजिटेबल में वाटर करंट के द्वारा फूड पार्टिकल आते हैं और यहाँ पर जो बड़े पार्टिकल हैं वेजिटेबल से यहाँ पर रिजेक्शन पैथ है इसमें यहाँ पर बाहर भेजे जाते हैं और जो इंटेक किए जाते हैं छोटे पार्टिकल हैं वेजिटेबल में ये सिलेक्शन पैथ है यहाँ पर इसमें सिलेक्ट किया जाता है ये रिजेक्शन पैथ है इसमें रिजेक्ट किए जाते हैं वेजिटेबल फार्मिंग और वेजिटेबल फार्मिंग फूड पार्टिकल्स और ये साइटोसोम है यहाँ पर ये साइटोसोम है ये सीलरी बैंड्स हैं ये बक्कल कैविटी है यहाँ पर ये इंजेक्टेड फूड है यहाँ पर और जो कि वेजिटेबल में जाता है इंजेक्टेड फूड पार्टिकल बीइंग स्मॉल फूड पार्टिकल इंजेक्टेड तो दो पैथ हैं यहाँ पर ये सिलेक्शन पैथ है ये रिजेक्शन पैथ है ये सिलेक्शन पैथ है यहाँ पर जो है फूड पार्टिकल वेजिटेबल के द्वारा बनाए जाते हैं बीटिंग ऑफ सीलिया समटाइम मेम्ब्रेनस बक्कल कैविटी डेरिव द सिलेक्टेड फूड पार्टिकल्स थ्रू द साइटोसोम इनटू द सेल गलेट या फिर साइटोपेरिनिक्स
तो बीटिंग सीलिया यहाँ पर सीलिया के द्वारा मूवमेंट की जाती है गति। और बक्कल कैप्टी डायरी विद सिलेक्टेड फूड, बक्कल कैप्टी डायरी विद सिलेक्टेड फूड पार्टिकल थ्रू द साइटोसोम इनटू द गलेड आर पायरिनेक्स द फूड। क्या करती है जो क्या होता है कि बीटिंग सीलिया बीट करते हैं और जिससे फूड पार्टिकल साइटोसोम में जाते हैं गलेड में, साइटोपेरिनिक्स गलेड में, और जो फूड पार्टिकल है ग्रेडुअली कलेक्ट होते हैं साइटोपेरिनिक्स में जो कि मेम्ब्रेनस वेसिकल वेसाइकल लेटर निप्पेड अप और लेकर निप्पल ऑफ द फूड पार्टिकल जो कि फूड पार्टिकल वैक्यूल में बना देती है, निप कर देती है। ऐसे फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल साइटोपेरिनिक्स है मेम्ब्रेनस वेसिकल जो हैं वो लेटर निप्पेड अप कर देती हैं। ऐसे द फूड वैक्यूल्स अनदर फूड वैक्यूल में फॉर्मेट विद इन 1 to 5 minutes डिपेंडिंग अपन द सप्लाई ऑफ फूड एंड वेट ऑफ फीडिंग। तो 1 to 5 minutes में सेकेंड दूसरी जो फूड वैक्यूल बनती है स्टेज से वेजिटेबल में बनती है। यहाँ पर ये फूड वैक्यूल पेरिनिक्स साइटोपेरिनिक्स या वेजिटेबल जो किसके द्वारा बनाती है साइटोपेरिनिक्स इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल। डाइजेशन ईच फूड वैक्यूल्स कंसिस्ट द फूड पार्टिकल सराउंड बाय द थिन फिल्म ऑफ द वाटर। ईच फूड वैक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स सराउंडेड बाय द थिन फिल्म ऑफ वाटर रैपिड एंड द इरेगुलर मूवमेंट। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन फूड पार्टिकल सराउंडेड बाय द फिल्म थिन फिल्म ऑफ वाटर। तो थिन फिल्म वाटर की सराउंडेड इसके द्वारा होता है जिससे डाइजेशन होता है रैपिड एंड इरेगुलर। रैपिड और इरेगुलर होता है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म डज नॉट अकर द पैरामीथियम जो कि पैरामीथियम में नहीं होता है बट द फूड पार्टिकल इज सर्कुलेट अराउंड बॉडी। ईच फूड वैक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स सराउंडेड बाय द थिन फिल्म ऑफ वाटर रैपिड एंड इरेगुलर मूवमेंट ऑफ एंडोप्लाज्म और डज नॉट अकर इन पैरामीथियम में। रैपिड पैरामीथियम में क्या होता है रैपिड मूवमेंट नहीं होती है और इरेगुलर मूवमेंट नहीं होती है एंडोप्लाज्म की बट फूड वैक्यूल इज सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी अलॉन्ग मोर और मोर लेस डेफिनेट पैथ बाई स्लो स्ट्रीम मूवमेंट ऑफ द एंडोप्लाज्म नाउ जो कि रैपिड और इरेगुलर मूवमेंट नहीं होती है साइटोप्लाज्म की पैरामीथियम में। इसमें होती है यहाँ पर साइक्लो सर्कुलेट और अराउंड द बॉडी मोर आर लेस डेफिनेट सर्कुलेट होती है यहाँ पर और अराउंड द बॉडी अलॉन्ग विद मोर आर लेस डेफिनेट पैथ स्लो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ एंडोप्लाज्म नाउन एज साइक्लोसिस। सेवरल वैक्यूल्स मे बी सीन इन थर्स सर्कुलेटिंग सेवरल में वो देखी जा सकती हैं इसमें डेफिनेट से डायरेक्शन में एक निश्चित डायरेक्शन सर्कुलेटिंग या फिर चक्राकार या गोलाकार डायरेक्शन में। एंडोप्लाज्म ऑफ द वेल फेड पैरामीथियम एंडोप्लाज्म वेल फेड होता है पैरामीथियम में द वैक्यूल आर कैरी आउट फर्स्ट पोस्टरली। तो वैक्यूल सबसे पहले यहाँ पर पोस्टरली कैरी आउट की जाती भेजी जाती है देन द फॉरवर्ड फिर यहाँ पर आगे की ओर जो कि ओवरली अब ओवरली अगेन द पोस्टरली पहले यहाँ पर ओवरली फिर यहाँ पर अगेन पोस्टरली एंड रैली अप द साइटोप्लाज्म और इसको यहाँ पर ओरली भेजा जाता है साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पोस्टरली भेजा जाता था देन फॉरवर्ड अब ओरली पहले पोस्टरली फिर ओवरली फिर गेन द पोस्टरली फिर पीछे की भेजा जाता है एंड फिर ओरली। सबसे पहले यहाँ पर पोस्टरली भेजा जाता है फिर यहाँ पर उसके बाद सामने की ओर आगे की ओर उसके बाद ओवरली यहाँ पे मुंह की तरफ और ओरली और पीछे की तरफ फिर अगेन पोस्टरली फिर अगेन फिर पोस्टरली भेजा जाता है फिर उसमें भेजा जाता है साइटोप्लाज्म में। डाइजेशन एंड असिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस ड्यूरिंग द दिस जनरी। तो डाइजेशन और असिमिलेशन दोनों इसी में साइक्लोजेसिस जो फूड की होती है बिल्कुल की उसी में यहाँ पर हो जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेट लाइपेज एक्सेट्रा सीक्रेट होते हैं। यहाँ पर है डाइजेशन सिस्टम साइक्लोलाइसिस ऑफ एंडोप्लाज्म।
ये साइक्लोसिस होती है यहाँ पर। ये फूड का यहाँ पर पहले यहाँ पर पोस्टीरियर की तरफ जाता है, पोस्टीरियर की तरफ एबोरल जाता है यानी आगे को, आगे कर फिर पीछे आता है, यहाँ पर आगे को जाता है फिर आगे फिर पीछे की ओर आता है यानी पोस्टीरियर, फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द लाइथोसोम इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीलाइजेज सभी इंजाइम पाए जाते हैं। द लाइथोसोम इनटू द फूड वेहिकल्स, तो लाइथोसोम भी पाया जाता है। अरे इन द अमीबा कंटेंट ऑफ द वेहिकल फर्स्ट बिकम द इंक्रीजली एसिडिक, अमीबा की तरह इसमें पहले भोजन यहाँ पर फूड वेहिकल एसिडिक होती है, देन ग्रेडली बिकम द एल्केलाइन, इसी तरह से एनिमल में डाइजेशन होता है। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ कंगो रीड एंड अदर इंडिकेटेड डाइज, यहाँ पर किसके द्वारा ये देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है यहाँ पर कंगो रीड एंड अदर इंडिकेटेड डाइज के द्वारा। द अल्केलाइन फेज रिजल्ट फॉर्म द सेचुरेशन ऑफ द एंजाइम विद इन द अल्केलाइन मीडियम इनटू द वेहिकल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ग्लाइकोजन एंड फैट ग्लूकोज। अल्केलाइन फेज में क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम अल्केलाइन मीडियम, अल्केलाइन मीडियम होते हैं, उसके बाद जो है प्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन एंजाइम जो कि यहाँ पर डाइजेशन होता है ग्लूकोजन और फैट का, ग्लाइकोजन और फैट का एल्केलाइन मीडियम में। प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन जो कि प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फॉर ग्लाइकोजन फैट, और यहाँ पर डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म जो कि डिफ्यूज हो जाते हैं सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, आइदर स्टोर या फिर स्टोर किए जाते हैं यूज फॉर द बीटल एक्टिविटी एंड ग्रोथ। इजीशन क्या होता है, इजीशन यानी भिक्षेपण। द वेहिकल ग्रेडुअली बिकम द स्मॉलर एंड द डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन प्रोसीड, फाइनली द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूल मैटर इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द डेफिनेट एनल स्पॉट द साइटोप्लाज्म पेंटर सरफेस पोस्टरली टू साइटोसोम। द साइटोप्लाज्म नेचर ऑफ द पोटेंशियल आयनस अज द अनडाइजेस्टेड मैटर अलवे डिस्चार्ज एट दिस स्पॉट, तो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर एनल स्पॉट या फिर साइटोप्लाज्म या साइटोप्रोटीन द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन द अमीबा एंड अदर फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेमी सेमी क्या कहते हैं उसे सेमी सेमी परम्यूबल पेलिकल, तो इसमें रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों क्या होता है, इसके द्वारा होता है सेमी परमियबल मेम्ब्रेन के द्वारा। रेस्पायरेशन और डिफ्यूजन, ये रेस्पायरेशन की और एक्टिविटी की यहाँ पर डायग्राम है। ये O2 ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, अमोनिया छोड़ी जाती है और फिर O2 ली जाती है, ये H2 ली जाता है, ये सारे यहाँ पर पेलिकल के द्वारा होता है, ये कंट्रैक्टाइल वेहिकल है, रेडियल कैनाल के द्वारा होता है ये सब कुछ, यहाँ पर कंटेटल वेहिकल है वाटर को बाहर निकालती है, ये रेडियल कैनाल है स्टोर करती है, डी में यहाँ पर रेडियल कैनाल जो है और कंटेटल वेहिकल है डी में जो यहाँ पर तेज़ी से पल्सेट करती है जो कि बी बी यानी जो एंटीरियर कैनाल है उससे तेज करती है। क्या क्या, अमोनिया बाहर निकाली जाती है और O2 और H2O बाहर अंदर लिया जाता है, अमोनिया और कार्बन डाई बाहर निकाली जाती है बाहर फेंकी जाती है और जल ऑक्सीजन अंतर ग्रहण इंटेक किया जाता है, इसके द्वारा सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ऑक्सीजन है डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन है वो यहाँ पर वाटर में घुली पाई जाती है जो कि डिफ्यूज द्वारा शरीर में अंदर की ले जाती है, और फॉर ऑक्सीडेशन प्रोटोप्लाज्म मैक्रोल्स मॉलिक्यूल्स कैटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्ट सच एज CO2 एंड नाइट्रोजन मैटर अमोनिया सिंपली डिफ्यूज ऑफ द एक्सटर्नल वाटर बिकॉज द कंसंट्रेशन इज ऑलवेज हायर इन बॉडी,
अमोनिया और CO2 बाहर निकाली जाती है क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है शरीर में, इसलिए डिफ्यूज द्वारा जनरल बॉडी सरफेस। क्रिस्टल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन्फेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच गेट डिसोल्व्ड एंड एलिमिनेटेड विद द फ्लूइड ऑफ कॉन्टेक्ट बैकबोन। क्रिस्टल डिजॉल्व कर लिए जाते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म में और फ्लूइड ऑफ कॉन्टेक्ट बैकबोन में। ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट बैकबोन इन पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशन अन एक्सेस वाटर एक्युमुलेट इन द बॉडी बिकॉज कंटिन्यूस एंडोसमोसिस द कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी साइटोप्लाज्म बीइंग हायर देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर आर ऑल्सो टेकन अप अलॉन्ग विद द इंजेक्टेड फूड। तो हायर मात्रा है जो बॉडी की वो यहाँ पर कंटेनल बैक्यूल के द्वारा बाहर निकाली जाती है, और कुछ मात्रा है जो इंजेक्टेड फूड के द्वारा भी निकाली जाती है। एक्सेसिव वाटर ऑफ एक्सेसिव यहाँ पर जो क्या है उसके द्वारा भी ली जाती है। एक्सेसिव वाटर एक्युमुलेट इन द बॉडी कंटिन्यूस एंडोसमोसिस कंसर्न ऑफ द बॉडी साइटोप्लाज्म बीइंग हायर देन द एक्सटर्नल मीडियम। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर also taken in the ingested food. This excess of water is got right up the means of contractile bicool which contact any contractile diastole and expand diastole. तो एक्सेस मात्रा की जो ज़्यादा मात्रा की जल की मात्रा है ज़्यादा वो यहाँ पर किसके द्वारा contractile bicool के द्वारा रेगुलेट की जाती है, जिससे यहाँ पर कंटेक्ट होती है बैकुल तो डाइसिटोल सिस्टोल होता है और एक्सपेंड होती है तो यानी संकुचित होती है तो डाइसिटोल कहते हैं, जिसे एक्सपेंड होती है तो डाइसिटोल और संकुचित होती है तो कंटेक्ट यानी सिस्टोल। इस प्रकार द्वारा कंटेक्टल बैकुल के द्वारा होता है यहाँ पर इंटरवल बाय द कंटेलेट्री या माइक्रोफाइबिल, जो कि माइक्रोफाइबिल के द्वारा जिसे कहते हैं रेडियल कैनाल, उसके द्वारा ये प्रक्रिया होती है डाइसिटोल और सिस्टोल। वाटर ऑफ फाइटोप्लाज्म एक्सिटेड इन टू द ट्यूबुल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द बेड डाउन नेफेरियल ट्यूबुल इन टू द फीडर कैनाल एकोमुलेटर एंड एम्फुली रेडियल कैनाल। द एम्फुली कवरेज द डिस्चार्ज इन टू द कंटेक्टल बैकुल व्हेन बैकुल हैज ग्राउंड इन द मैक्सिमम साइज इज कंटेक्ट एंड डिस्चार्ज एक्सटीरियर। वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एक्सिटेड सेग्रेटेड इन टू द सम ट्यूबुल्स। साइटोप्लाज्म में उससे वाटर है वो सब ट्यूबुल में डाला जाता है, ट्यूबुल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे यहाँ पर जो नेफ्रियल ट्यूबुल और नेफ्रियल ट्यूबुल से यहाँ पर फीडर कैनाल से और फीडर कैनाल से एक्युमुलेट इन द लेटर ऑफ एम्फुली और एम्फुली में इकट्ठा हो जाता है, इसे रेडियल कैनाल कहते हैं। और द एम्फुली कवरेज एंड डिस्चार्ज इन टू द कंटेक्ट बैकवर्ड। एम्फुली है जो जिसे एम्फुली कवरेज करती है यहाँ पर वाटर को, जो कि डिस्चार्ज कर देती है कंटेक्ट बैकवर्ड में। नेफ्रियल ट्यूबुल सबसे पहले क्या होता है, वाटर जो साइटोप्लाज्म में होता है तो उससे पहले सबसे पहले क्या करा जाता है उसका यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, रेटिकुलम से यहाँ पर नेफ्रियल में जाता है, नेफ्रियल ट्यूबुल से फीडर कैनाल में जाता है, फीडर कैनाल में इकट्ठा होता है जिससे यहाँ पर एम्फुली में जाता है और एम्फुली यानी रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से यहाँ पर डाला जाता है कंटेक्टाइल बैकुल में, और इससे बाद जो है मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रो कंटेक्टाइल बैकुल मैक्सिमम साइज ग्रो इन कंटेक्ट एंड डिस्चार्ज द, और बड़े साइज में यहाँ पर बड़ी होती जाती है, जल इकट्ठा हो जाता है और फिर एकदम सिकुड़ जाती है जिसे सिस्टोल कहते हैं, और सिस्टोल कहते हैं जिससे यहाँ पर बैक्टीरियल वाटर जो है बाहर फेंक दिया जाता है थ्रू द पोर इन पेलिकल, पेलिकल के पोर का एंड डॉर्सल साइड पोस्टीरियर कंटेक्ट बैकुल पर्सेटेटेड फास्टर। ये क्वेश्चन बना था पोस्टीरियर कंटेक्टाइल बैकुल पल्सेट फास्टर देन द इंटीरियर बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो पोस्टीरियर कंटेक्टाइल बैकुल है यहाँ पर वो यहाँ पर पल्सेटेड फास्टर देन द फास्टर देन द इंटीरियर बैकुल
बिल्कुल बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर बींग डिलीवर्ड इन टू द पोस्टीरियर रीजन बाय द साइटोपेनिस। साइटोपेनिस के द्वारा ज़्यादा मात्रा जो है पीछे की जो कंटेक्टाइल वेहिकल है उसमें भेजा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो पोस्टीरियर वेहिकल है पल्सेट फास्टर देन एंटीरियर वेहिकल। पोस्टीरियर वेहिकल है पल्सेट फास्टर देन पोस्टीरियर वेहिकल पल्सेट फास्टर देन एंटीरियर वेहिकल बिकॉज जो पोस्टीरियर वेहिकल साइटोपेनिक्स है वो पोस्टीरियर वेहिकल में यहाँ पर ज़्यादा जल भेजती है। इसीलिए यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि वो पल्सेट फास्टर देन द एंटीरियर वेहिकल। पोस्टीरियर वेहिकल कंटेनर वेहिकल पल्सेट फास्टर देन एंटीरियर वेहिकल बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बींग द डिलीवरेड भेजा जाता है पोस्टीरियर रीजन ऑफ द पोस्टीरियर रीजन बाय द पेरिनिक्स साइटोपेरिनिक्स। TGT 2000 यहाँ पर UPPCS में क्वेश्चन बन चुका है, UPPCS में ये क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन चुका है UPPCS में, UPPCS दे मै बी दे बे इन बीच ऑर्गेनिज्म स्टेबलिश एक्टिव रिलेशन इन्वायरमेंट कॉल द बिहेवियर। यहाँ पर ये एक्टिव रिलेशन बनता है जिसे बिहेवियर कहते हैं। इट इज लार्जली डिटर्मिन्ड बाय द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टिमुलस बीच इज द ऑर्गेनिज्म सब्जेक्टेड द रिस्पॉन्स ऑफ द पैरामीशियम पैरामीशियम बेराउस काइंड ऑफ द स्टिमुलाई सच एस लाइट इंटेंसिटी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो द बे ऑफ विच ऑर्गेनिज्म इस्टेब्लिश यहाँ पर ये जो है बे है ऑर्गेनिज्म इस्टेब्लिश होता है एक्टिव रिलेशन इट इन्वायरमेंट कॉल द बिहेवियर। इस तरीका का जो इन्वायरमेंट है इनको बिहेवियर उसे कहते हैं बिहेवियर इस तरीके का रिलेशनशिप है। इट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द इट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस आर स्टिमुलाई विच ऑर्गेनिज्म सब्जेक्ट जो कि ऑर्गेनिज्म से संबंधित है। द रिस्पॉन्स ऑफ द पैरामीशियम वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलाई सच एस लाइट जो रिस्पॉन्स है यहाँ पर रिस्पॉन्सेस ऑफ पैरामीशियम वेरियस काइंड स्टिमुलाई सच एस लाइट इंटेंसिटी टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और CO2 एंड O2 CO2 O2 डिफरेंट केमिकल इन वाटर वाटर इंटररिलेटेड यहाँ पर इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल बिहेवियर। द रिस्पॉन्स पॉजिटिव दीज जो डेफिनेट बिहेवियर है यहाँ पर डेफिनेट बिहेवियर क्या होता है दीज प्रोड्यूस डेफिनेट बिहेवियर क्या होता है दीज डेफिनेट बिहेवियर दीज प्रोड्यूस डेफिनेट बिहेवियर पैटर्न ऑफ द रिएक्टिव बिहेवियर दी रिस्पॉन्स पॉजिटिव इफ द एनिमल मूव फॉरवर्ड एंड स्टिमुलस नेगेटिव व्हेन इट मूव अवे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेफिनेट बिहेवियर में क्या होता है डेफिनेट बिहेवियर पैटर्न में क्या होता है दीज प्रोड्यूस डेफिनेट बिहेवियर ये निश्चित बिहेवियर प्रोड्यूस करता है पैटर्न बिहेवियर और डेफिनेट बिहेवियर आप पैटर्न ऑफ द रिएक्टिव बिहेवियर। द रिस्पॉन्स इज द पॉजिटिव इफ द एनिमल मूव फॉरवर्ड रिस्पॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव होगा अगर एनिमल फॉरवर्ड की तरफ जाएगा आगे की तरफ जाएगा तो वार्ड सामने की तरफ जाएगा स्टिमुलस द नेगेटिव व्हेन इट मूव अवे यहाँ पर स्टिमुलेट अगर नेगेटिव होगा वहाँ से भाग जाएगा या दूर चला जाएगा तो नेगेटिव होगा अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा तो एनिमल आगे की तौर बढ़ेगा अगर वहाँ से भाग जाएगा तो चला जाएगा या भाग जाएगा तो नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा उसे तो रिएक्टिव बिहेवियर इसे कहते हैं। अवॉइडिंग रिएक्शन इट द है परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ द बिहेवियर एक्सिबिट द पैरामीशियम इफ द फास्ट स्विमिंग इंडिविजुअल